नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हिसार के नारनौंद थाने के बाहर किसानों की महापंचायत संपन्न हुई। इसमें हजारों की संख्या में किसानों और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने भाग लिया। पंचायत में वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और सरकार के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसान नेताओं ने सांसद रामचंद्र जांगड़ा की कड़े शब्दों में निंदा की। किसानों ने मांग की कि सांसद रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। किसान नेताओं ने फैसला लिया कि नारनौंद थाने के बाहर धरना जारी रहेगा। उन्होंने मांग रखी है कि सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 8 नवंबर को प्रदेश स्तर पर हाथी के पुलिस अधीक्षक का घेराव किया जाएगा। हरियाणा के सभी टोल कमेटी के किसान सदस्य और किसान भाग लेंगे। किसान नेता विकास शीशर ने कहा कि किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वे वापस होने चाहिए। हिसार से हमारे संवाददाता प्रवीण वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज नारनौंद थाना के अंदर हमारा दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। आज संयुक्त किसान मोर्चा के पूरे हरियाणा भर से नेता आए हुए थे, पूरे खातों के तबों के प्रधान आए हुए थे, सभी टोलों के प्रधान आए हुए थे। सभी ने सामूहिक रूप से आज एक निर्णय लिया है, क्योंकि प्रशासन अभी भी ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं उनके ऊपर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, बिल्कुल सरकार के इशारे से प्रशासन चल रहा है। हमारी केवल दो ही मुख्य मांगे हैं। एक तो हमारा जो कुलदीप राणा जिसको गंभीर चोटें आई है, जिंदल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, वेंटिलेटर के ऊपर है। उसके चोट मारने वाले जो बीजेपी के सांसद हैं, उसके जो सहयोगी साथियों ने उसके सिर के पीछे मतलब गंभीर चोट लगी, जिसके कारण वो अभी तक होश में नहीं आया है। उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। एक तो उसके जो चोट मारने वाले हैं उनके खिलाफ 307 के मुकदमे दर्ज हो, और जो हमारे साथियों पर झूठे मुकदमे बनाए गए हैं वो तुरंत प्रभाव से खारिज हो, नहीं वरना तभी तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने फैसला लिया है, जब तक ये हमारे दोनों मांगे नहीं मानी जाती तब तक जो नारनौंद थाना है उसके अंदर हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और 8 तारीख को एसपी आसी के कार्यालय का हम घेराव करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में किसान और मजदूर और महिलाएं युवा साथी उसमें शामिल होंगे। पूरे हरियाणा भर से सभी खापों के, सभी तपों के प्रधान, सभी टोलों के प्रधान, सभी किसान यूनियने, किसान सभाएं, जितने भी किसान और मजदूरों के संगठन है, भारी संख्या में 8 तारीख को हम वहाँ एकजुट होंगे। और तब भी हमारी मांगे नहीं मानी तो 8 तारीख को बहुत बड़ा हम ऐलान करेंगे, फिर उसका जिम्मेदार खुद प्रशासन होगा। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।